हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा टेक्नो अफेयर से। और आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बुली स्कॉलरशिप हैशटैग बुलीज एनिवर्सरी एडिशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुलीज एनिवर्सरी एडिशन प्ले स्टेशन गूगल प्ले में महंगी है। तो हम डालेंगे यहाँ पे बुली स्कॉलरशिप। तो ये देखिए, बुली एनिवर्सरी एडिशन यहाँ पे 420 रुपये की है। और खैर, मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है इसलिए बता रहा है कि ओपन। वैसे ये गेम है 420 रुपये की। तो खैर, इतनी महंगी होनी नहीं चाहिए गेम, जिस हिसाब से उसके ग्राफिक्स है। भाई रोटेट हो जा, छोड़। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको फ्री में कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन कुछ हम लोगों को चाहिए है, तो वो है एक तो हमारी यूसी ब्राउज़र। हम लोगों को फुल वर्जन करना है यहाँ पे डाउनलोड। और उसके बाद हम लोगों को डालना है ES फाइल एक्सप्लोरर। तो ये भी फ्री है, दोनों एप्लीकेशन फ्री है। दोनों एप्लीकेशन के बाद आपको अपने इंटरनेट से कनेक्ट होना है। तो मैं अपने इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। उसके बाद आपको यूसी ब्राउज़र खोलना है। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपसे ये सब पूछेगा, आपको सब सेटिंग करनी होगी यूसी ब्राउज़र में। उसके बाद आपको इधर आना है, ऐसे इसको करना है, ऐसे नहीं। और उसके बाद आपको डालना है mob.play.mob.org। ये है, आपको इतना डालना है। उसके बाद आपको इधर फर्स्ट साइट में चले जाना है। तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट साइट है वो ये है, #focus। ये सर कैमरा क्या हो गया भाई, J5O। तो जो साइट का नाम है वो है play.mob.org। हम लोगों को इसमें क्लिक करना है। जो फर्स्ट साइट है उसी में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको यूसी ब्राउज़र में ही सर्च कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी गेमें फ्री मिल सकती है, उनकी APK, आपको उनकी APK फ्री मिल सकती है। तो जब हम लोग इधर आएंगे, हम लोगों को सर्च करना है, सर्च इन गेम्स में सेलेक्ट करना है और डाला है बुली स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपको GTA सैन एंड्रियास भी फ्री पे मिल जाएगा, बुलीज एनिवर्सरी एडिशन। आप देख सकते हैं इधर आ गया है और बहुत सारे इनके पास। तो हम लोगों को इधर स्क्रीनशॉट्स दिखाएगा गेम के। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट है गेम के, आप ऐसा कर सकते हैं ये वो। आपने अगर मेरा वॉक थ्रू भी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को इधर नीचे आके यहाँ पे हम लोगों को डाउनलोड पे दिखाएगा। तो डाउनलोड में जाने के बाद हम, अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा स्पेस है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है, तो आप ये हाई वर्जन कर सकते हैं। और जो वर्जन आप करेंगे, तो जैसे आपने सपोज़ ये वाला किया है, तो आपको हायर कैच पीस की डाउनलोड करनी पड़ेगी। बट मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस है नहीं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस है नहीं। ये देखिए, मेरे फ़ोन में सिर्फ 1 GB खाली है 32 GB में से। तो मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस है नहीं, इसलिए मैंने लोअर वर्जन किया है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड और टोरेंट का मिलेगा, आप डाउनलोड कीजिए। और ये, और यहाँ पे आप डाउनलोड में क्लिक कीजिए जो भी वर्जन किया। तो मैंने सपोज़ ये नीचे वाला क्लिक किया, तो ये मेरे डाउनलोड्स पे लग जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद मुझे याली कैच करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज़ मैंने ये सब किया हुआ है। बूम, क्लियर। तो ये जो करने के बाद अब बारी आती है हमारे ES फाइल एक्सप्लोरर की। तो हम लोग खोलेंगे अपना ES फाइल एक्सप्लोरर। मैं एजट क्यों खोलूँ मुझे खुद नहीं पता, #ES फाइल एक्सप्लोरर। और यहाँ पे हम लोगों को,
यहाँ पे हम लोगों को इधर ले आएगा, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जाना है इस 3 डॉट वाले आइकन में, यहाँ पे हम लोगों को जाना है डाउनलोड। भाई लोकल क्यों खुल रहा है, हैशटैग डाउनलोड। आप इसको एसडी कार्ड में भी कर सकते हैं यूसी से, पर गूगल मैप एसडी कार्ड से नहीं कर सकते। फिर आप यूसी से एसडी कार्ड में कीजिए तो आपको इधर नहीं दिखाएगा, आपको इस तरफ स्क्रॉल करना है। यार ट्राइपॉड में ठीक से वैसे दिख, तो आपको इस तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको यूसी डाउनलोड पे ढूंढना है, क्योंकि हम लोग ने यूसी डाउनलोड पे देख किया है, तो यहाँ पे हम लोगों को यूसी डाउनलोड्स पे जाना है। तो यहाँ पे आपको एक जिप फाइल देखेगी ऐसे करके, आपको उसमें क्लिक करना है और ये जिप व्यूअर में करना है। उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, और आपको उसके बाद जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, आपको कॉपी मतलब आपको कट में जाना है। उसके बाद आपको ये फाइल एक्सप्लोरर मतलब उधर कट में जाके आपको इधर एंड्रॉयड का फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप गए, और एंड्रॉयड का फोल्डर कहाँ है, एंड्रॉयड फोल्डर यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, एंड्रॉइड मुझे मिल नहीं रहा, पर आप एंड्रॉयड में जाके ओबीबी में इसको पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद आपकी ये गेम चलने लगेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।